दोस्तों मिलिए तारा सिंह की बहू से ये अस्तोया गदर 2 में एक बार फिर से सनी देओल जो की पाकिस्तान जाकर हमें गदर मचाते हुए तो दिखेंगे ही, लेकिन यह कहीं ना कहीं गदर 2 में यहाँ पर सनी देओल जो की हमें गदर मचाते हुए दिखेंगे अपने बहू और बेटे के लिए। ये अस्तोया गदर 2 की स्टोरी जो की इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रखी गई है और यहाँ एक बार फिर से यहाँ पर गदर वाला ही टच हमें गदर 2 में देखने को मिलेगा। और यहाँ इस बीच सोशल मीडिया पर तो गदर 2 की शूटिंग की काफी सारी वीडियो जो की वायरल हो चुकी है। और यहाँ इसी बीच गदर 2 के एक वायरल वीडियो में यहाँ पर हमें गदर 2 की एक्ट्रेस यानी कि सिमरत कौर दिख रही है। और जिसकी वजह से यहाँ पर हमें एक होटल का लोकेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक गदर 2 के बारे में जो भी जानने को मिला है उसके मुताबिक यहाँ पर फिल्म में सनी देओल के तारा सिंह का बेटा जीते जो कि एक लड़की के प्यार में पड़ने वाला है जो कि रहने वाली है पाकिस्तानी। और यह उम्मीद ला सकते हैं कि फिल्म में वो और कोई नहीं बल्कि सिमरत कौर है। और जैसे किसी बीच यहाँ पर फिल्म की स्टोरी के मुताबिक यहाँ पर जीते जो कि पहुंच जाएगा पाकिस्तान, लेकिन वो वहाँ पर बुरी तरीके से फंसता हुआ दिखेगा। और जैसे कि इसके बाद यहाँ पर सनी देओल जो कि अपने बेटे को किसी तरीके से यहाँ पर छुड़ा कर और गदर मचाते हुए लेकर आएंगे वापिस हिंदुस्तान। इसमें तो गदर 2 की शूटिंग से सिमरत कौर का लुक जो कि काफी ज्यादा शानदार लग रहा है। और जैसे कि यहाँ फिल्म में ये देखना काफी ज्यादा यहाँ पर लाजवाब रहने वाला है। साथ ही जैसे फिल्म का लोकेशन भी लग रहा है एकदम अव्वल नंबर का, देख के कहा जा सकता है कि यह फिल्म जो कि पूरी तरीके से एकदम क्लासिक रहने वाली है। और यहाँ इस फिल्म को देख हम एक अलग ही एरा में जाने वाले हैं। तो इसमें यह फिल्म गदर में यहाँ पर सनी देओल जो कि अपनी वाइफ यानी कि सकीना के लिए जाते हुए दिखते हैं पाकिस्तान। और अब यहाँ इस बार गदर 2 में सनी देओल जो कि अपने बेटे और बहू के लिए जाते हुए दिखेंगे पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर ये तो पक्का है कि यह गदर मचेगा और वो भी दुगना। हालांकि उस यहाँ गदर 2 में सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ ही दो नए स्टार्स यानी कि उत्कर्ष शर्मा और सिमरत कौर को देखने के लिए यहाँ पर आपका एक्साइटमेंट कैसा रहेगा हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।